नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों मैं हूँ खंडवा अकोला। गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के बारे में हम लगातार आपको समय समय पर जानकारी देते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, विभिन्न सेक्शनों में कार्य की रफ्तार देखते हुए क्षेत्र के लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं कि यह गेज कन्वर्जन उनके सामने पूरा हो पाएगा भी या नहीं। ऐसे हमें निराशाजनक कमेंट कई बार प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वे लोग आंखें बंद करके अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में काम रफ्तार पकड़ रहा है, इसको देखते हुए थोड़ी तो उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 साल के भीतर यह कार्य पूरा होगा। यह लंबी समय सीमा है, लेकिन इस रफ्तार को देखते हुए यही कहा जा सकता है। बहरहाल इस पूरे प्रोजेक्ट की आर्थिक स्थिति जो कि वर्ष 2021 के अंत तक की हमारे सामने है, हम आपको बताना चाहते हैं। यह कार्य रतलाम खंडवा अकोला का 472 किलोमीटर लंबाई का है, जिसकी 2008-09 में स्वीकृति हुई थी। 3503 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत थी, तथा जो कि आज की तारीख में बढ़कर 6171 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच गई है। इसमें से 2 सेक्शन का कार्य रेलवे ने पूरा कर लिया है, रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर और इंदौर से महू का 147 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन बन चुका है। वहीं सनावत से खंडवा बाईपास केबिन तक का कार्य हो चुका है और अकोट से अकोला तक का कार्य हो चुका है। अकोट से अकोला के बीच हाल ही में एक अच्छी खबर यह सुनने में आई थी कि रेलवे के द्वारा हाल्ट एजेंटों की अस्थायी नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि इस सेक्शन पर ट्रेनें जल्दी से चालू हो सकती। इसके बारे में विस्तारित वीडियो हमने पूर्व में आपको अवगत कराया था, आप अवलोकन कर सकते हैं। वहीं एक और अच्छी खबर यह आ रही है कि खंडवा जंक्शन स्टेशन पर जो मीटर गेज प्लेटफार्म थे, उनका कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा रिमॉडलिंग के लिए शुरू कर दिया गया है। भुसावल रेल मंडल के कंस्ट्रक्शन विभाग के इंजीनियरों ने सर्वे के बाद यहाँ से पुरानी लाइन के स्लीपर पटरी व अन्य सामग्री को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 1 माह का समय इसमें लगेगा, इसके बाद संबंधित कंपनियां अपना कार्य प्रारंभ करेगी। प्लेट मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, इसी के तहत यह उन्नयन कार्य किया जाना है। 5 नंबर प्लेटफार्म पर ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी। भविष्य में इस प्लेटफार्म पर RPF थाना, रेलवे अधीक्षक कार्यालय व अन्य अधिकारियों के कार्यालय भी यहां पर शिफ्ट किए जा सकते हैं व अन्य सुविधाएं भी जुटाई जा सकती हैं। जल्दी ही यह कार्य पूरा होने के बाद इस सेक्शन में रफ्तार आएगी। वहीं खंडवा से आमला खुर्द की ओर कार्य चल रहा है, वह भी काफ़ी संतोषजनक स्थिति में चल रहा है। गुड़ी स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर कार्य ठीक रफ्तार में चल रहा है। इस वर्ष कुल 350 करोड़ रुपये का बजट इस परियोजना को आवंटित हुआ था, जिसमें से केवल 66 करोड़ रुपए ही अभी तक खर्च किए जा सकते हैं और बाकी की राशि अभी पड़ी हुई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से, ये 2-3 महीने जो बचे हुए इसमें टेंडर ओपन करके कार्य शुरू करवा दिए जाएं, जो भी बड़े कार्य हैं। और जो सनावत से मथेला सेक्शन पर ट्रेन चलने की बात है, लंबे समय से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई रुचि इसमें नहीं दिखाई गई है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को शामिल किया जाता है, लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय की ओर से इस सेक्शन को शुरू करने संबंधित कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष जो टाइम टेबल कमेटी में 2 ट्रेनों के सुझाव यहाँ से भेजे गए थे, सनावत भोपाल और सनावत से भुसावल गाड़ी के, उन पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जो धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर से जोड़ने वाला यह स्टेशन है, इसके लिए शीघ्र ट्रेनें शुरू हो जाएं, साथ ही जो अन्य कार्य धीमी गति से चल रहे हैं उन्हें तेज रफ्तार से चलाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। आप सभी का धन्यवाद।